ला शरीक लहू वाशादु अन्ना मोहम्मदन अब्दहू व रसूलो अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौम الدين इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। गुज़िश्ता खुतबा में भी मैंने अल्लाह ताला की हस्ती की माहियत और उसका इदराक कैसे होता है एक रंग में बात की थी। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें सामने रखना चाहता हूँ। हम अगर महज इल्मी तौर पर इस चीज़ का तजज़िया करें तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि इल्म इब्तदा में जिस तरह दिया जाता है उसकी हकीकत पर्दे में होती है, और जो जो इल्म बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर पड़े हुए पर्दे खुलते जाते हैं और अंदर की बात इंसान गहरे से गहरे तौर पर जानना शुरू हो जाता है। इसको एक सादा सी मिसाल में यूं भी कहा जा सकता है कि मसलन एक उस्ताद अपने शागिर्दों से कहता है कि ये कायनात की हर शय दरअसल हिग्स पार्टिकल की वजह से बनी हुई है। वो तालिब इल्म इस बात को मान लेंगे, इस पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये प्रोफेसर साहब आला तालीम याफ्ता हैं और गहरा इलम रखते हैं, इसलिए जो ये बात कह रहे हैं ये दुरुस्त है। उनका यानी उन शागिर्दों का इल्म ईमानी है, लेकिन जूं जूं वो पढ़ते जाते हैं, स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज में आते हैं तो बहुत से और अलूम उनको इस मामले में इल्म होना शुरू हो जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट गहरा होता जाता है। फिर वो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, फिर वो रिसर्च करते हैं, तो तब उनको जाके सही मानों में पता चलता है कि वो जो 10 साल पहले हमारे प्रोफेसर ने हिग्स पार्टिकल्स की बात की थी वो दरअसल हिग्स पार्टिकल की माहियत क्या है और किस तरह उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये एक सादा सी मिसाल है, लेकिन इसको जहन में रखते हुए इसी तरह हम ये तजिया करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी रंग में
अल्लाह की हस्ती के बारे में इल्म दिया है, और उस जब ये इल्म हमें मिलता है तो ये हालत ऐसी ही होती है जैसे वो स्कूल के बच्चों को एक इंतहाई अजीम फिलोसोफर, साइंटिस्ट, हिग्स पार्टिकल्स की बात करें। अब हम ये देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की माहियत के बारे में क्या बात की है। तो आपका जो कलाम है, यानी जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया या जो इल्म हमें आपकी जानिब से मिला, उसमें मैं महज दो आयात आपके सामने रखता हूँ। वो यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हस्ती एक ऐसी दकीक और वराउल वरा हस्ती है कि इंसानी अकल से परे है। ये उसकी माहियत की बात हो रही है। आप ने जो कलाम पेश किया उसमें माहियत के बारे में हमें ये इल्म दिया, ला तुद्रे को हुल अबसारा वा हुआ युद्रे कुल अबसारा, के तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बसीरत उसको नहीं पा सकती, यानी वो इंसानी इदराक से परे है, वो उसको नहीं पा सकते। मगर वह हुआ युद्रे कुल अबसारा, वो नजरों तक पहुंच जाता है, यानी अल्लाह जिस पर चाहे अपना फजल कर दे तो उसको एक रोशन दलील मिल जाती है। ये जो चीज है कि जिस पर अल्लाह फजल कर दे, ये हर मैदान में हमें नजर आती है। मसलन अल्लाह की ये अता है कि किसी को एक ऐसा जहन अता कर देता है कि वो जहन शायरी के लिए मौजू होता है, तो आप देखेंगे कि वो हर बात को अशआर के पैराया में बयान कर देगा, और ये उसकी बेअख्तियार रफ्तार होती है। वो एक दिन में शायद 100 अशआर लिख दे और अगले दिन फिर लिख दे। आम आदमी जिसको ये अता नहीं हुआ तो वो महीनों मेहनत करता रहे तो शायद एक गजल नज़म लिख सके, इसलिए कि उसको वो इस्तदादे नहीं दी गई। हम इंसान को देखें तो वो सारे इंसानों को मुख्तलिफ, अगरचे सब एक जैसे ही हैं, सबको जहन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें मुख्तलिफ रंग हैं। हर एक शोबे में हमें ये नजर आएगा। तो ये जो अल्लाह की अता है, एक तो इस्तेदादी है और एक हम कहते हैं कि वो नजरों तक पहुंच जाता है, यानी वो गैब की खबरें या अपनी जात को किसी ना किसी रंग में जाहिर कर देता है। ये तो है एक बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहियत के बारे में बताई है कि वो हमारी सोच से परे है, मगर वो खुद जब चाहता है तो वो अपने आप को जाहिर कर देता है। इसी चीज को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में
एक और रंग में भी बयान किया है। यालमो मा बैना एदीहिम व मा खल्फाहुम वला युहीतूना बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमाशा। यहाँ पे भी यही बात है, एक और पैराए में बयान की गई है कि अकले इंसानी अपनी अकल के सहारे उस को नहीं पा सकती, वो उतना ही पाएगी इल्ला बिमा शाह जो वो चाहता है, यानी हमारा खालिक। अब इन दो आयात से हमें ये पता चल जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक ऐसी हस्ती की खबर दे रहे हैं जो इंसानी शऊर की हदूद से परे है, मगर वो जिस पर चाहता है अपना फजल कर देता है। अच्छा, अब जब ये बात हो गई कि अल्लाह की हस्ती ऐसी है, तो फिर इंसान को पता कैसे चले? इसके अब दो दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जिस पर अल्लाह ने अपना फजल किया और अपने तई उस पे जाहिर किया, मगर एक आम आदमी जिस पे उसने जाहिर नहीं किया, उसे कैसे पता चले? उसे इस तरह पता चलता है कि जिस पर फजल हुआ होता है वो कहता है कि खुदा ने मुझे ये खबर दी है, और जो वो खबरें पूरी होती हैं तो अकले इंसानी उन तगैयुरात से, यानी वो जो वाकियात होते हैं, वो एक दलील पकड़ती है, और इस तरह वो फिक्री, मुशाहदाती और तजर्बाती तौर पर इल्म हासिल कर लेती है। उसको एक दलील मिल जाती है अल्लाह ताला की हस्ती की तगैयुराते जमाना से, यानी जो तब्दीलियां वाकिया होती हैं। मसलन एक शख्स गैब की खबर देता है कि आइंदा ये वाकिया होगा, और वो वाकिया हो जाए, तो वो तगैयुरात हैं जो वकूअ पज़ीर हुए हैं। अब हम ये बुनियाद ज़हन में बिठा लें, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन तगैयुरात के बारे में अगरचे कुरान शरीफ भरा पड़ा है, मगर मैंने आज एक ही लफ्ज़ को चुना है और उस पे तबसरा करूंगा, और वो है अशराफिया, खुशहाल लोग, मुतरफीहा। कुरान शरीफ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। तो हम इस लफ्ज़ को देखते हुए दुनिया में होने वाले तगैयुरात के ज़रिए से इल्म हासिल करेंगे, और हमें पता चलेगा कि क्या जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी थी, क्या उसके मुताबिक हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें बिल वास्ता हस्ती बारी ताला की दलील मिलती है। कुरान करीम में चार जगह मैंने ये लफ्ज़ देखा है, हो सकता है ज़्यादा मर्तबा हो, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर पे उसे चेक किया तो मुझे चार आयात मिली मुख्तलिफ सूरतों की, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर उस पे तबसरा करूँगा। मसलन सूरत सबा की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने कभी किसी बस्ती में कोई नज़ीर, यानी डराने वाला,
नहीं भेजा, मगर उसकी अशराफिया ने, उसके खुशहाल लोगों ने, उसके ताकतवर हलकों ने, उसके अमीर हलकों ने, ये सारा उसी मफहूम में आ जाता है, अशराफिया में। इन लोगों ने कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहा है कि जब हक की बात अशराफिया के सामने रखी जाए तो वो इसका इनकार कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। थोड़ा मैं बाकी आयात भी रख देता हूँ, तो फिर इस पे आगे चलेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरत जुखरुफ की आयत नंबर 24 है, और इसी तरह हमने तुझसे पहले किसी बस्ती में कोई नज़ीर नहीं भेजा, मगर उसकी इशराफिया ने कहा कि यकीनन हमने अपने आबाओ अजदाद को एक मसलक पर पाया और हम उन्हीं के नकूशे कदम पर चलने वाले हैं। अब यहाँ ये एक और अलामत बताई जा रही है। पहली बात ये बताएगी कि अशराफिया इनकार कर देती है। दूसरी बात ये बताई गई कि वो कहते हैं कि ये जो तुम हमें बता रहे हो ना, डरावा दे रहे हो जिस चीज का, हम इसको इसलिए नहीं मानते कि हमने तो अपने अबाउ अजदाद को इस रास्ते पे पाया है और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसके अलावा एक और आयत है बनी इसराइल, इसकी आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ये बताता है, और जब हम इरादा करते हैं कि किसी बस्ती को तबाह कर दें तो उसकी इशराफिया को हुक्म देते हैं कि अपनी मनमानी कार्रवाइयां करते फिरें, फिर वो इस में बढ़ जाते हैं, तो उस पर फिर फरमान सादिक आ जाता है और हम उनको मलियामेट कर देते हैं। इसी तरह सूरत मोमिन की आयत नंबर 65 में आता है, यहाँ तक कि जब हम उनकी अशराफिया को अजाब के जरिए से पकड़ लेते हैं तो वो चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। अब नाज़रीन, इसमें हम देखते हैं दो पहलुओं से मैं लेता हूं कि हम तगैयुराते ज़माना में क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं। पहले मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ जिसको हर ज़ेहन आसानी से समझ सकता है, और फिर उस ज़ाहरी सादा सी मिसाल पे जो दुनियावी शक्ल में है रूहानी की मिसाल लेंगे, क्योंकि वो उसी के हमरंग होती है मगर लताफत के साथ जलवागर होती है। मसलन हम ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, हम देखते हैं कि जो कुछ हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, वहाँ की अशराफिया, और यहाँ अशराफिया से मैं मुराद हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें हमारे फौज की क्यादत भी है, हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार भी हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन भी है,
हम देखते हैं कि ये किस तरह हकीकत सच बात को दबाने के लिए और अपनी मनमानी करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। तो इसकी बड़ी डिटेल बताई जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक, ये सादा सी बातें हैं, हर एक समझ सकता है कि नाजायज मुकदमा, सजाएं और झूठी मुकदमात बना देना, सच्चाई अगर मसलन इलेक्शन हुआ है तो उसकी हकीकत जो है उसको छुपा के अपनी मर्जी से जाहिर करना कि फलां जीत गया और फलां हार गया, ये मनमानियां है, ये अशराफिया करती है। तो क्या ये हक बात मान लेते हैं? जाहिरी तौर पर आप देखें कि ये ऐसा नहीं करते। अब इसमें नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ताला का कलाम हमें कहता है कि फिर हम ऐसी बस्तियों को मलियामेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ याद रहे, ये बहुत अहम नुकात हैं जो जेन में रखने चाहिए। वही कुरान साथ ये भी कहता है कि हम किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा ना करे। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कौम में एक बेदारी भी पैदा हो रही है। और अब अल्लाह ताला उस बेदारी पैदा होने के नतीजे में उस साइड की जो है वो सपोर्ट सामने आती है या मलिया मेट वाली आती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसको तजिया करना चाहिए, सिर्फ एक मोमिन फरासत से इनका जायजा लेके क्या हो रहा है। इस बात को मैं इस तरह भी बयान कर सकता हूं कि मसलन हम हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का वाक्या पढ़ते हैं, तो वहां पे अल्लाह ताला जब आपसे कहता है कि आप बस्ती से निकल जाएं, ये तबाह कर दी जाएगी, और हजरत यूनस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ देते हैं, मगर वो बस्ती तबाह नहीं होती। इस वजह से नहीं होती कि वो कौम में तगैयर आ गया था, वो तब्दील हो गए थे। तो यही अल्लाह कहता है कि जब कौम अपनी हालत को बदलने का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला भी उसके मुवाफिक मामला करता है। पर ये मैंने एक सादा सी मिसाल दी है। मैं इस वक्त जो हमारा असल मौजू है रूहानियत का, कि ये जो कहा गया है कि वो नजरों तक पहुंच जाता है, और वो पहुंचता इसी तरह है वही और इलाम के जरिए से, गैब की खबरें देने से। वला यही तू ना बेशय मिन इल्म ही इल्ला बे माशा, कि इंसान तो इहाता नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जो वो अपने फजल से किसी पर कुछ इल्म जाहिर कर दे। क्या अब जब हम रूहानी दुनिया में देखते हैं तो मिर्जा साहब का एक वजूद हमेशा मेरे सामने रहता है कि वो कैसी अजीम रूहानी शख्सियत थे। उन्होंने अल्लाह ता उनको अल्लाह ताला ने ये खबर दी थी कि मैं मुजरमों की राह जाहिर करूंगा। अब इस बात को भी जेन में रखते हुए हम ये देखते हैं कि एक, ये जो कुरान शरीफ कहता है कि वो कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इस मसलक से पाया, हम तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे। तो आप देखें कि इस वक्त इस जमाना में जिसमें हम जिंदा हैं क्या हुआ है। जब जिम्बा साहेब ने एक खत मिर्जा ताहिर अहमद साहब के सामने रखा
तो उनका जो जवाब है वो बड़ा ही सबूत हमें मुहैया करता है। वो लिखते हैं कि आप को ऐसे ख्यालात का प्रचार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पहली बात है जो उन्होंने की। अच्छा, तो वो नारा किधर चला गया? इस्लाम आजादी इजहार का हक देता है। आप उससे हट चुके थे। चलें, ये एक छोटी सी बात हो गई। आपने फितना पैदा कर दिया है। भाई आप बताएं क्या फितना पैदा किया है? ये तो ऐसी ही बात है कि ये कहा जाए कि मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम ने आकर उम्मत मुस्लिमा में फितना पैदा कर दिया है। तो क्या आप मिर्जा साहिब को फिर जुटला देंगे? आप गलत हैं। या तो आप बताएं क्या फितना पैदा किया गया है, फिर आप कहते हैं कि ये खुलफा और जमात के मसलक के खिलाफ है जो बातें आप कर रही हैं। तो आप देखिए, यही कुरान शरीफ कह रहा है जो मैंने आयात आपके सामने रखी थी कि शराफिया कहती है कि हमने अपने अबाओ अजदाद को इसी मसलक पे पाया और हम उसी पे चल रहे हैं। तुम कौन बीच में आ गए हो नई बातें करने वाले? तो आप ये देखें, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का वही जवाब है जो कुरान शरीफ दे कहता है कि अशराफिया ये कहते हैं। तो क्या हमने इस जमाना में ये जो तगैयरात देख रहे हैं, ये जो वाकया देख रहे हैं, क्या यही बातें गैब की रसूल की इंसान ने बताई थी कि जब कोई डराने वाला आता है तो अशराफिया ये बातें करती है? तो ये मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब यही बातें तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हक की राह पे नहीं है। इनको अपने ओहदों और वो जो इख्तियारात, ताकत, दौलत, वो प्यारी है, अल्लाह का तो मामला ही नहीं है बीच में। ये तो महज मुंह से अल्फाज निकल आते हैं। हम जितना इस बारे में तहकीक करते जाएं, हमें पता चलता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल कुरान के उन लोगों के काम हैं जो अशराफिया करती है। अब देखिए, जम्बा साहब ने का क्या कसूर था? मिर्जा मसरूर साहब ने कहा जी हम तो आपको जमात से निकाल देते हैं। तो यही काम तो वो हर दौर में किया है हक के मुखालफीन ने। आपने कौन सी नई बात की? वो ही सारी बातें जो ताकतवर करते हैं। ये बात मैंने इसलिए की है कि आप खुद रसूल करीम के दौर में देखें कि उस वक्त ये अशराफिया क्या थी। अबू जहल, अबू सुफियान, ये सारे लोग थे। तो इन्होंने क्या किया था? शेब अबी तालब में कौन रहा था? हजरत बिलाल के रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ क्या हुआ था? और दूसरे इस तरह के लोग, क्या हुआ था उनके साथ? ये क्या कर रहे हैं? मिर्जा मसरूर साहब देखिए, जम्बा साहब को जमात से निकाला और उनके जो पैरोकार हैं जो उनको सच्चा समझते हैं उनके साथ क्या नहीं किया? मैं एक जिंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूं।
ये मुकातया कर दो, ये तमाम रिश्तेदार जो इसके हैं उनसे के साथ इनको बैठने मिलने की इजाज़त नहीं है, उनकी शादियों या गमों में, खुशियों और गमों में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। ये क्या है? ये ताकत का इजहार है जो वो कर रहे हैं और अशराफिया वाला नमूना दिखा रहे हैं। तो साफ पता चलता है अगर हम इसको गौर से इन चीजों को देखें जो हो रही हैं इस वक्त, तो पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने अपनी सुन्नत के मुताबिक कि हर सदी पर मैं तगैयरात पैदा करूंगा और जिस पर चाहूंगा अपना फजल करूंगा, वो हक बात के साथ एक बंदे पे फजल किया, तो इन्होंने वही इशराफिया वाला काम किया। हमें इस बात से पता चल जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये रसूल करीम सल्लम ने हमें बताया था कि ये गौर करो तो अल्लाह की हस्ती की तुम्हें दलील मिलेगी, जिसने मुझे ये खबरें दी थी गैब की, यानी रसूल करीम सल्लम को, कि ये होता रहेगा और वो हो रहा है। तो इस तरह हमें बिल वास्ता अल्लाह ताला की हस्ती की दलील मिलती है। यही वो खुदा है जिसको हम सब ने पाना है, जिसकी तलाश हमारी रूहों में रखी गई है, और हमें इस सच्ची सच्चे रास्ते से हटाने वाले ये अशराफिया है। इंसान को चाहिए कि गौर करे, फिक्र करे। कुरान करीम में इस पे बहुत जोर दिया गया है। इस ज़िमन में भी दो आयात मैं सामने रखता हूँ कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं तो वो फिर आखिर में, यानी मरने के बाद जब हिसाब किताब होगा, तो वो कहेंगे लो कुन्ना नस्माओ ओ ना के लो माँ कुन्ना फी साबि सही, कि हम काश हम बातों को सुनते और अकल से काम लेते तो हम असाबो सईर ना होते। यहाँ पे दो चीजें बहुत अहम हैं। सुने क्या कहा जा रहा है, जम्बा साहेब ने कौन सी ऐसी बात की है, क्या वो हक है या नहीं है? फिक्र करो, अक्ल से काम लो। ये एक आयत है। दूसरा कुरान शरीफ बहुत जोर देता है कि अक्ल से काम लो। वो जो आयत आती है कि लेटते बैठते उठते हर हर वक्त अल्लाह को याद रखो और कायनात की तख्लीक के बारे में गौर करो, तफक्करून फी खल्क समावात वल अर्ज। उसका अंजाम क्या है आयत का? रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला फकेना अजाब नार। ए खुदा, तूने ये सारा सिलसिला ऐसे ही बातिल नहीं पैदा किया, हक के साथ पैदा किया है। ये हक है जिसकी तरफ हर खुदा की तरफ से आने वाले बंदे ने बुलाया है, मगर ये भी कुरान कहता है कि बहुत थोड़े होते हैं जो मानते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हदायत पाए, उसी खुदा की तरफ हम सब ने लौट जाना है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मन युज़लिलहु फला हादिया लहू ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह इन अल्लाह यामरुकुम बिल अदले वल एहसान वा ईताए ज़िल कुरबा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकरि वल बगये यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।